बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जॉब सर्विस पाकिस्तान चैनल में खुश आमदी। दोस्तों, सिंध पुलिस में जिन लोगों ने, लड़के और लड़कियों ने पूरे सिंध से अप्लाई किया था हेड कांस्टेबल और वायरलेस ऑपरेटर, तो दोस्तों एनटीएस ने उनकी जो क्यूरी लिस्ट होती है रिजेक्ट और एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट अपलोड कर दी है। तो लिहाजा पूरे सिंध से जितने भी लोगों ने, लड़के ने और लड़कों ने अप्लाई किया है, तो वो लोग जल्दी www.nts.org.pk के दोस्तों नेशनल टेस्टिंग सर्विस की आप लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। आने के बाद तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होता है। तो आपने यहाँ पे जिन लोगों को बिल्कुल भी इलम नहीं है, जिन्होंने कभी अप्लाई किया ही नहीं है, तो वो लोग इस वीडियो को कम्प्लीट देखें। तो आपने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लिस्ट ऑफ कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आके यहाँ पे आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट ढूंढना है कि आपका प्रोजेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंध पुलिस डिपार्टमेंट और इसके रिटर्न के साथ पुलिस टेली कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एलिजिबल और रिजेक्टेड कैंडिडेट। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ क्यूरी सबमिशन वाज मंडे 7 अक्टूबर 2019। से पहले पहले आप लोगों ने इसके अंदर अपनी क्यूरी उसको फिल कराना है। अगर आपको रिजेक्ट किया जाता है फ़र्ज़ करो डिपॉजिट स्लिप की वजह से, या आपके फोटोग्राफर सही नहीं है, या आपकी डिग्री मेंशन नहीं है, या तो फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं की है, तब आपके लिए इशू बन सकता है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे आना है। आने के बाद आपने पुलिस डिपार्टमेंट वाली जिस तरह इसकी रो पे लाइन पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट सिंध स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पुलिस टेली कम्युनिकेशन सिंध लिस्ट ऑफ एलिजिबल और रिजेक्टेड कैंडिडेट। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे अपना CNSE इंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पे जो नंबर दिया गया है आपने यहाँ पे इस नंबर को इंटर करना है। दोस्तों जैसे ही आप इस नंबर को इंटर करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका नाम, आपके वालिद साहब का नाम, आपका रोल नंबर, और यहाँ पे साइड में लिखा हुआ आ जाएगा कि एलिजिबल फॉर टेस्ट। अगर एलिजिबल फॉर टेस्ट लिखा हुआ आ जाए, तो आपका नाम बिल्कुल एलिजिबल है, आपकी टेस्ट होगी। लेकिन अगर आपका नाम यहाँ पे किसी भी मेंशन की वजह से, किसी भी इशू की वजह से लिखा हुआ आ जाए कि भाई आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ आपने अपने इंटर साइन नहीं किया, आपने अपनी क्वालिफिकेशन नहीं दी, या आपने अपने डिपॉजिट स्लिप नहीं दिए, तो उस सूरत में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग कमेंट्स करके भी मुझसे पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको उसके अंदर भी गाइड कर दूंगा। तो उसके लिए तरीकेकार ये होता है कि जब आपके पास कोई इशू आएगा, तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन आएगा। तो आप लोग अपने फॉर्म डाउनलोड कर लें। वो फॉर्म किस तरह होगा इंशाल्लाह वो मैं फॉर्म आपको भी दिखा देता हूँ। एक मिनट बस आप लोग यहीं पर साथ मेरे जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह मैं भी आपको वो फॉर्म। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये हमने एक फॉर्म का भाई का डाउनलोड किया था, जिसका डेट ऑफ बर्थ की वजह से उसको रिजेक्ट किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। एक तो तरीके का ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है क्यूरी फॉर्म विल बी एंटर्ड लास्ट क्यूरी सबमिशन। अब यहाँ पे टेस्ट डेट, अगर आपकी टेस्ट डेट आ गई है तो आपने टेस्ट डेट देनी है, लेकिन अगर आपकी टेस्ट डेट अभी नहीं आई, तो आप लोगों ने यहाँ पर टेस्ट डेट नहीं देनी। टेस्ट टाइटल, आपकी टेस्ट टाइटल क्या था, मतलब कि फ़र्ज़ करो आपने वायरलेस ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया, तो आप यहाँ पर वायरलेस ऑपरेटर लिखोगे। उसके बाद पोस्ट फील्ड, जिस पोस्ट के लिए अपना आपने अप्लाई किया, जिस तरह टेस्ट टाइटल है वो सिंध पुलिस टेली कम्युनिकेशन आपका टेस्ट टाइटल हो गया। और पोस्ट और फील्ड, मतलब कि पोस्ट वो जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, कैंडिडेट का यहाँ पे नेम, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे CNSE जो है वो आपने अपने वालिद साहब का नहीं, आपने कैंडिडेट का NIC देना है। मतलब कि जिस शख्स के लिए आप, जो बंदा अप्लाई कर रहा है यहाँ पर, वो अपना NIC देगा। तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर आपने अपने वालिद साहब का NIC नहीं देना, अपने फादर का NIC नहीं देना, यहाँ पे आपने अपना NIC नंबर देना है। कैंडिडेट नाम, मतलब कि आपने अपना नाम देना है, फिर अपने वालिद साहब का नाम देना है, और NIC के अंदर आपने अपना NIC नंबर देना है, अपना कॉन्टैक्ट देना है, और रोल नंबर, मतलब कि जो रोल नंबर जब आप वहाँ पे इंटर करेंगे, तो आपका रोल नंबर वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वो रोल नंबर आपने वहाँ से देख कर यहाँ पर इंटर करना है, और फॉर्म नंबर जो आपका हो आपने वो दे देना है। फॉर्म नंबर आपका वहाँ पर भी आ जाएगा, करना है तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्यूरी डिटेल, अगर आपका नाम मिसिंग लिस्ट में, वेबसाइट में नहीं है, तो आपने वो देना है। नेम इन रिजेक्ट, अगर आपका नाम रिजेक्ट है किसी इन चीज़ों की वजह से कि अटैच फार्म, एक्सपीरियंस, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डिग्री कॉपीज़, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। कॉल रिजल्ट, रिजल्ट का नोट रिसीव, ये तो बात का मसला है। उसके बाद यहाँ पे चेंज द नेम, फादर नेम, स्पेलिंग, अगर आपके NIC या स्पेलिंग या NIC की कोई मिस्टेक है, तो आप यहाँ पर वो भी चेक करवा सकते हो। चेंज द टेस्ट फील्ड, अगर आप टेस्ट सेंटर अपना चेंज करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर वो भी आप चेंज करवा सकते हो। इनको आप SMS, ये मतलब कि ये फार्म फिल करके आप भेज दोगे। री चेकिंग एंसर शीट या इन बिलो, अगर आपका कोई फ़र्ज़ करो यहाँ पे अभी जिस तरह आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसिंग है, तो यहाँ पे आप इफ़ एनी अदर गिव इन अ डिटेल बिलो, अब यहाँ पे आपने इसको इंटर किया, और उसके बाद यहाँ पे अगर किसी बंदे की फ़ोटोग्राफ मिसिंग है, या फ़र्ज़ करो कि उसकी यहाँ पे मिसिंग है, कि उसने अपना
डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दें डियर सर एंड मैडम प्लीज़ रिजोल्व माई इशू, और वहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दी, और वहाँ पे लिखा कि सर प्लीज़ चेक आउट एज सुन एज पॉसिबल माई इशू। मतलब कोई भी आप इस साइड दो लाइनों के इंग्लिश के अंदर यहाँ पे आप लिख दें, उसके बाद यहाँ पे आपने कैंडिडेट अपने सिग्नेचर करनी है, और उसके बाद आप इसको भेज दें नेशनल टेस्टिंग सर्विस प्लॉट नंबर 96 स्ट्रीट H8 इस्लामाबाद। दोस्तों ये था, अगर आपके फार्म में कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को कहीं से सीखने की नहीं मिलेगी, और आप इस चीज़ पे अमल करके अपना कोई भी इशू रिजॉल्व करा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम अपनी वेबसाइट पे दोबारा आ गए, तो दोस्तों ये तरीकेकार है, अगर आपका एलिजिबल फॉर टेस्ट आ जाए फिर तो कोई भी इशू नहीं, तो आप NTA स्केल प्लान में भी बात कर सकते हो, और यही तरीकेकार है अगर आपका नाम रिजेक्ट हो जाए। दोस्तों उम्मीद करूँगा ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है, और अगर कोई भी इशू है, कोई मसला है, तो इंशाल्लाह आप कमेंट्स करें एज सून एज पॉसिबल, मुझे जब भी टाइम मिला तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों मैं आपको अगेन रिपीट करवाता चलूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 से 4 दिन बाकी हैं, यहाँ पे 7 अक्टूबर से पहले पहले आप लोगों ने ये काम करना है, और अगर कोई मसला है तो आप अपना इसी तरीके से रिजॉल्व कराएंगे। उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, दुआओं में याद, अल्लाह हाफिज़।